हाँ हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। आई एम सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज और आई हैव स्टार्टेड द गेट एम सी क्यू सीरीज एंड टिल नाउ वी हैव कम्प्लीटेड गेट एम सी क्यू 15 एंड वी टॉक अबाउट इन प्रीवियस थ्री लेक्चर्स ऑफ गेट एम सी क्यू ऑफ टेंजेंट रिस्पॉन्स। दिस इज द लास्ट वन to discuss about the tangent response of the electrical circuit subject। तो इस एम सी क्यू सीरीज में टेंजेंट रिस्पॉन्स का ये आखिरी वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। गेट एम सी क्यू 16 जो है हमारा, उसमें मैंने गेट 2007 का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन उठाया मैंने, जिसमें ट्रांसफॉर्मर भी है, सर्किट भी है और टी इक्वल टू 0+ पे क्या बिहेवियर आ रहा है सर्किट का, यानी वोल्टेज और करंट की वैल्यू पूछी गई है आपसे। ये चीजें हैं तो हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि टी इक्वल टू 0+ पे हमें कैसे करना है क्वेश्चन को। अगर एनर्जी है, अगर कैपेसिटर में एनर्जी है, तो उसे वोल्टेज के फॉर्म में वोल्टेज सोर्स उसके सीरीज में ऐड कर देते हैं सेम पोलैरिटी के साथ। अगर आपकी इंडक्टर में एनर्जी है तो उसके पैरेलल में करंट सोर्स ऐड कर देते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो जब उसकी चार्जिंग हो रही होती है। तो क्लियर, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गेट 2007 का क्वेश्चन है ये, गेट 2007। और इन द फिगर द ट्रांसफॉर्मर T1 हैज टू सेकेंडरी, ट्रांसफॉर्मर T1 के दो सेकेंडरीज हैं, यानी अगर मैं मान के चलूं यहाँ पे तो ये प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज द सेकेंडरी वन एंड दिस इज द सेकेंडरी टू। क्लियर, आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जिसमें दो वाइंडिंग जो है वो एज अ सेकेंडरी बिहेव कर रहे हैं जो कि लोड से कनेक्टेड है। क्लियर, वन सेकेंडरी इज शॉर्ट सर्किटेड बाई 10 ओम रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, यानी इस आर की वैल्यू जो है वो 10 ओम है। क्लियर, ठीक है, 10 ओम रेजिस्टेंस एंड द अदर बाई 15 माइक्रोफेरेट कैपेसिटर, यानी सी की जो वैल्यू है वो 15 माइक्रोफेरेट कैपेसिटर है। क्लियर, एक स्विच दिया हुआ है SW, ये जो स्विच आपको दिया हुआ है ठीक है, इच ओपेंड एट टी इक्वल टू 0, यानी स्विच को टी इक्वल टू 0 पे हम ओपन कर रहे हैं। क्लियर, स्विच को क्लोज नहीं किया जा रहा है, स्विच को ओपन किया जा रहा है। और जब ये स्विच को ओपन किया जा रहा है तो कैपेसिटर इज चार्ज टू 5 वोल्ट, यानी कैपेसिटर के पास जो इनिशियल एनर्जी है यानी VC0- की वैल्यू आपकी है वो है 5 वोल्ट विद द लेफ्ट प्लेट एच पॉजिटिव, यानी ये जो आपको पॉजिटिव साइन दिया है। देखिए ऐसे प्रॉब्लम्स में पोलैरिटी का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, डॉट कन्वेंशन का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, डॉट कन्वेंशन हमारा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं तो प्लस माइनस के चक्कर में आंसर हमारे बिल्कुल अलग आ जाते हैं। क्लियर, तो पोलैरिटी का हमें कभी भी सर्किट थ्योरी का प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो पोलैरिटी पे हमारा मेन फोकस रहना चाहिए कि पोलैरिटी हमारी कैसी आ रही है। क्लियर, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पोलैरिटी गिवन है। एट टी इक्वल टू 0+ पे आपसे क्या क्या चीजें पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है वीपी की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है आईआर की वैल्यू क्या होगी। क्लियर, दो चीजें पूछी जा रही हैं आपसे ठीक है। यानी स्विच जब ओपन हो जा रहा है तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो क्या होगा, और आपका जो सेकेंडरी S1 है उसमें जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू पूछी जा रही है, यानी आईआर की वैल्यू पूछी जा रही है ठीक है। अगर मैं स्विच ओपन होने से पहले की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं सर्किट पे थोड़ा सा फोकस करूंगा तो हमारा सर्किट ऐसे कुछ था। क्लियर, स्विच हमारा क्लोज है SW ठीक है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज द 25 वोल्ट सोर्स, ये आपका क्वेश्चन में डाटा गिवन हुआ है, दिस इज द डॉट कन्वेंशन, और ये आपका दो सेकेंडरी वाइंडिंग है। क्लियर, जिसमें एक रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ है एंड डॉट कन्वेंशन इज हियर, और यहां पे एक सेकेंडरी वाइंडिंग दिया हुआ है जिसमें आपका डॉट कन्वेंशन यहां पे है। क्लियर ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि स्विच पहले क्या था, अगर हम 0 टाइम से पहले टाइम को रेफरेंस हम ले रहे हैं, टी इक्वल टू 0 पे हमें सारी चीजें बतानी है, लेकिन स्विच ओपन होने से पहले बिफोर स्विच इज ओपन, जब आपका स्विच ओपन हो रहा था उससे पहले
उससे पहले ये कह रहा है कि जैसे ही t इक्वल टू जीरो माइनस की हम बात कर रहे हैं, कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो चुका है, और वो कितने वोल्टेज से चार्ज हुआ है, आपका चार्ज हुआ है 5 वोल्ट से, और सेम पोलैरिटी, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर है। क्लियर? जैसे ही स्विच को हम ओपन कर रहे हैं t इक्वल टू जीरो पे, इसके पास जो वोल्टेज सोर्स के टर्म में एनर्जी है वो सेम पोलैरिटी, जो पोलैरिटी यहां पे प्लस है सेम पोलैरिटी यहां भी, वो 5 वोल्ट का है, ये क्वेश्चन में साफ मेंशन किया गया। क्लियर? यानी t इक्वल टू जीरो माइनस पे अगर हमें एक कैपेसिटर के एनर्जी को रिप्रेजेंट करना होता है, तो ऑलरेडी ये मैंने डिस्कस किया हुआ था कि अगर कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी है, मान लो इसके पास ये बोल रहा है कि 5 वोल्ट की एनर्जी है, तो हम इसको आइडियल फेज में करते हुए आप कैपेसिटर को ऐसे ही लिखिए और उसके सीरीज में सेम पोलैरिटी के साथ एक वोल्टेज सोर्स हम अटैच कर देते हैं। क्लियर? ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया हुआ था। ठीक है, तो ये डिस्कशन में हमारा निकला था। ठीक है, तो यहां पे हमने कैपेसिटर को अब आइडियल फेज में लेगा। आइडियल फेज में कहने का मतलब क्या हो गया, t इक्वल टू जीरो पे इनिशियल एनर्जी जीरो होगी कैपेसिटर की, तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, जीरो एनर्जी का मतलब क्या होगा, v की वैल्यू जीरो, यानी शॉर्ट सर्किट की तरह। अब और t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे ओपन सर्किट की तरह, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वन एंड सेकेंडरी टू। अब देखो यहां पे क्या है कि जैसे ही t इक्वल टू जीरो प्लस की हम बात कर रहे हैं, t इक्वल टू, देखो हमने यहां पे वोल्टेज सोर्स के टर्म में इसको अटैच तो कर दिया उसके सीरीज में, तो अब हमें जो कैपेसिटर का बिहेवियर लेना वो सिंपल, जो आप पढ़ रखे हैं कि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, वो लॉजिक हमें सिंपली लगा देना है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस करके चलते आ रहे हैं। क्लियर? तो t इक्वल टू जीरो प्लस पे कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी जो है वो हमने वोल्टेज सोर्स के टर्म में यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, तो t इक्वल टू जीरो पे c जो होगा वो कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, क्योंकि उसके पास कोई वोल्टेज नहीं होगा। तो आपका जो ओरिजिनल सर्किट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये आपका ओपन हो गया। क्लियर? सॉरी। ठीक है, आपका सर्किट ये ओपन 25 वोल्ट, दिस इज द डॉट कन्वेंशन एंड वीपी एंड ये आपका आईआर, ये हमें निकालना है, बस हमें केवल सर्किट का बिहेवियर देखना और कुछ नहीं देखना है। कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, तो उसको हमें एज इट इज देना है। ये आपका डॉट कन्वेंशन यहां भी, डॉट कन्वेंशन यहां भी। क्लियर? और यहां पे सिंपली क्या आ गया, अगर आप यहां पे देखो तो एक वोल्टेज सोर्स आ चुका है, यानी कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अब पूरा का पूरा क्वेश्चन का फ्रेम ही चेंज हो गया। अब जहां पे सोर्स लगा हुआ है वो एज अ प्राइमरी बिहेव करेगा। क्लियर? जहां पे सोर्स लगा हुआ है वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ प्राइमरी। ठीक है, और आपका जो प्राइमरी पहले की तरह था वो एज अ सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि सोर्स से ही एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्लियर? तो बस हमें क्या करना है, हमें पता है कि सबका जो नंबर ऑफ टर्न्स है, चाहे एन वन की बात कर लें, एन एस वन, अगर यहां पे इसको एनपी के टर्म में बात कर लें, एनपी की बात कर लें, एन एस वन की बात कर लें, एन एस टू की बात कर लें, नंबर ऑफ टर्न सबके लिए क्या है, सेम है, यानी एनपी इक्वल टू एन एस वन इक्वल टू एन एस टू, सबका नंबर ऑफ टर्न सेम है, तो ऑब्वियस ही बात है जो मैग्नीट्यूड होगा, मॉड ऑफ वीपी इक्वल टू मॉड ऑफ वी एस वन इक्वल टू मॉड ऑफ वी एस टू के बराबर होगा, यानी तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं बात करूं यहां पे डॉट कन्वेंशन के बारे में, तो डॉट कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि आपका जो पोलैरिटी है, क्लियर, जैसे मान लो अगर ये आपके ये एज ए प्राइमरी वाइंडिंग हो गया अभी, क्योंकि यहां पे सोर्स है, तो यहां पे जो डॉट का पोलैरिटी आएगा सेम पोलैरिटी अब क्या आएगा, हर डॉट पे आना, लॉजिक सिंपल सा है। यानी अगर तुम देखो यहां पे, तो अगर हम इसकी पोलैरिटी देखें तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, 5 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ, पोलैरिटी क्या होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा, यानी जो डॉट कन्वेंशन है वो नेगेटिव पोलैरिटी शो कर रहा है, तो यहां भी ये क्या होगा, नेगेटिव पोलैरिटी को शो करेगा, यहां भी क्या होगा, ये नेगेटिव पोलैरिटी को शो करेगा, बाकी अपोजिट पोलैरिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है चीज? ठीक है, तो जैसा आपका डॉट कन्वेंशन होता है, डॉट कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि वो उस पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करे। जनरली जो हम जनरल कन्वेंशन पढ़ते हुए आ रहे हैं ट्रांसफार्मर की, अगर हम बात करें
वो हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डॉट कन्वेंशन मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी से ही रिलेटेड हो जाता है, तो ये डॉट अगर है तो यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी, बाकी डॉट भी एज अ पॉजिटिव पोलैरिटी की तरह ट्रीट करेंगे, क्लियर। लेकिन यहाँ पे डॉट क्या हो गया, निगेटिव पोलैरिटी हो गया। तो अगर हम यहाँ पे वीपी की वैल्यू निकालेंगे तो वीपी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी एच टू के बराबर होगा, ये तो क्लियर है, बट पोलैरिटी क्या हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई। अगर तुम पी को और एच टू को कंपेयर करो तो ये आपका निगेटिव से पॉजिटिव पोलैरिटी और ये आपका क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी क्या हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई, यानी वीपी की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस ऑफ वी एच टू के बराबर हो जाएगा, और माइनस ऑफ वी एच टू होने के बराबर क्या हो गया, ये वोल्टेज कितना है, माइनस 5 वोल्ट। ये जो सोर्स का वोल्टेज है वो कितना है, 5 वोल्ट, यानी कैपेसिटर के पास जो इनर्शियल एनर्जी स्टोर थी उसकी वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट है, और इसलिए ये वीपी की वैल्यू माइनस वी एच टू यानी माइनस 5 वोल्ट के बराबर जाएगी। हमें डॉट कन्वेंशन का पूरा ध्यान रखते हुए ये चीज निकालना, क्लियर, ठीक है। वैसे भी ये निगेटिव पोलैरिटी है तो ऑब्वियस बात है कि ये निगेटिव आना ही आना, ठीक है। अब हम बात करेंगे आईआर की, आईआर में कितना करंट फ्लो होगा। तो अगर वीपी की वैल्यू हमको पता चल गई, ये भी आपका डॉट कन्वेंशन है, ये भी डॉट कन्वेंशन है, क्लियर। करंट का डायरेक्शन हमें पता ही चल गया, करंट हमें किस डायरेक्शन में मिल रहा है, ये हमारा करंट आईआर, क्लियर, ठीक है। तो जब हमें पता है कि करंट की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ठीक, सॉरी करंट का डायरेक्शन हमारा क्या है, तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे वी एस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एस वन की वैल्यू, वी एस वन की वैल्यू ऑब्वियस ही बात है वीपी के बराबर, और वीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 5 वोल्ट, क्लियर। ये माइनस 5 वोल्ट आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है आईआर की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस वीपी या माइनस वी एस वन अपॉन आर के बराबर होगा, और माइनस वी एस वन का मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ वीपी, क्लियर, माइनस वीपी अपॉन आर, और वीपी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, सॉरी वीआर की वैल्यू वी एस वन बाई आर होगा ना, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, वी एस वन की वैल्यू क्या होगी, वीपी के बराबर, जो कि माइनस 5 वोल्ट के बराबर है। आईआर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है कि ये वी एस वन है, ठीक है, ये चीज हमको पता है, तो आईआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एस वन अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, और वी एस वन की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस 5 वोल्ट जो वीपी के बराबर है, अपॉन आर की वैल्यू कितनी है हमारी, आर की वैल्यू दी गई है 10 ओम, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 0.5 एम्पीयर, क्लियर। तो आपका जो आंसर आ रहा है, वीपी की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस 5 वोल्ट, और आईआर की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है माइनस 0.5 एम्पीयर, क्लियर, ठीक है। अगर यही पोलैरिटी हम लेके नहीं चलते, केवल और केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में सब कुछ निकालते, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, दोनों पॉजिटिव आते। अगर हमको पता था वीपी इक्वल टू वी एस वन इक्वल टू वी एस टू, तो यहीं से हम सीधे सीधे 5 वोल्ट लेते हैं, और वहां से हम वी एस वन बाई आर करते हैं, यानी वीपी बाई आर कर देते हैं, हमारा आंसर क्या रहता, 0.5 एम्पीयर रहता। लेकिन यहाँ पे डॉट कन्वेंशन का रोल है, तो डॉट कन्वेंशन की वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बन जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि लोग मैग्नीट्यूड के चक्कर में ये आंसर लगा के चले जाते हैं, जो कि गलत होता है। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी माइनस 5 वोल्ट एंड माइनस 0.5 एम्पीयर, क्लियर। तो डॉट कन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, आप कभी भी निगेटिव और पॉजिटिव साइन पे कंफ्यूज मत हुआ करिए कि मतलब कब निगेटिव ले लें कब पॉजिटिव ले लें, ऐसा नहीं है। ऑब्वियस ही बात है कि जो करंट रहता है, करंट और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड होते हैं और उसका डायरेक्शन होता है, उसकी पोलैरिटी होती है। अगर आपकी वैल्यू निगेटिव आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है सर्किट में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो बस यही रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्लियर, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है और कैसे ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्लियर। अगर यही पोलैरिटी आपकी, ये जो डॉट कन्वेंशन है मैं यहां पर ना देखिए यहां पर दे दिया होता, क्लियर, तब आईआर की वैल्यू क्या आ जाती, पॉजिटिव आ जाती, क्योंकि अब वी एस वन की वैल्यू क्या होती, माइनस ऑफ वीपी के बराबर हो जाता, क्योंकि डॉट कन्वेंशन जस्ट अपोजिट हो गया, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं, मैं चाहता तो आईआर की, आईआर का जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट देता, मैं डॉट कन्वेंशन यहां पे ना देके आईआर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट देता, तो आईआर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट देता, तो उस हिसाब से आप मतलब इसमें केवीएल लगाते हो और आईआर की वैल्यू कैलकुलेट करते। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहता तो मैं ऐसे कर सकता था, ये डॉट कन्वेंशन
ऐसे ही रहने देता, यहां पे ये डॉट कन्वेंशन है, मैं करंट का रिएक्शन ऐसे कर देता। जब डॉट कन्वेंशन ऐसे है तो ये निगेटिव पोलैरिटी, क्योंकि निगेटिव पोलैरिटी है डॉट कन्वेंशन की, और ये पॉजिटिव पोलैरिटी। तो अगर मैं यहाँ पे केवीएल लगाता तो क्या आ जाता है यहाँ पे, ये आपका वी एस वन, केवीएल लगाता तो वी एस वन की वैल्यू क्या आ जाती, आई आर वी एस वन माइनस आई आर इंटू आर, यानी आई आर की वैल्यू क्या हो जाती, वी एस वन बाई। तो बहुत सारी चीजें हैं, उस पे बेस करता है कि आपका क्वेश्चन क्या फ्रेम हो रहा है, कैसे फ्रेम हो रहा है। क्लियर? ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है और तभी हमें क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई डाउट हो आपको तो प्लीज चैट बॉक्स में छोड़िए और अपने डाउट को क्लियर करिए। ठीक है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।